नायक एस्ट्रोलॉजर अपना कहना जारी रखता है और उसका नाम लेके बुलाता है ध्रुव नायक, यू नो माई नेम। वो काफी हैरत ज्यादा होता है और पूछता है तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सैड टेकन अबैक एज आई नो ऑल अदर थिंग्स ध्रुव नायक। वो उसको पूछता है तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि जैसे कि मैं तुम्हारी सारी ही चीजें जानता हूँ। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, तुम बहुत ध्यान से सुनो मैं तुम्हें क्या कहने जा रहा हूँ। योर विलेज इज 2 डेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर से नॉर्थ साइड में तुम्हारा गांव की जर्नी 2 दिन की है, 2 दिन का सफर है तुम गांव अगर गए तो। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, तुम नेक्स्ट ट्रेन जो अगली ही जाने वाली ट्रेन है तुम वो ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, मैं देखता हूँ कि अगर तुम दोबारा घर से निकले, अगर तुम अपने घर से निकलते हो तो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में बहुत खतरा है। He took out a pinch of rugged ash and held it to him. वो एक चुटकी भर राख उठाता है, जो मुकद्दस राख उसके पास में थी वो उठाता है और उसे पकड़ाता है। Rub it on your forehead and go home. तुम इसे अपनी पेशानी पे मल लो और घर चले जाओ। Never travel southward again. दोबारा साउथ के सिमत में आना मत। And you will live to be 100. और तुम 100 साल जियोगे। Why should I leave home again? मैं दोबारा अपना घर क्यों छोड़ूंगा? The other said reflectively. वो आदमी कहता है, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा था कि मैं उसे तलाश करूं और मैं उसका गला दबा दूं, मैं उसे मार डालूं जब भी मैं उससे मिलूं। He shook his head regretfully. काफी अफसोस से वो अपना सर हिलाता है। He has escaped my hands, लेकिन वो तो मेरे हाथ से निकल गया। I hope at least he died as he deserved. और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ही बुरी मौत मरा होगा, जैसा उसने मेरे साथ किया था, जैसा वो डिजर्व करता है वैसा ही उसका हाल हुआ होगा। Yes, said the astrologer. Astrologer कहता है हाँ। He was crushed under a lorry. वो एक लॉरी के नीचे आके मर गया था, बहुत बुरी तरह मरा था वो। The other looked gratified to hear it. अभी वो आदमी ये सुन के काफी उसका शुक्रगुजार दिखाई देता है, काफी खुश दिखाई देता है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. काफी सन्नाटा खामोशी छा गई है ये जगह पर। एस्ट्रोलॉजर अपना सारा सामान उठाता है और उसको अपने बैग में भरता है। द ग्रीन शेफ वॉज ऑल्सो गॉन, जो हल्की सी सब्ज रोशनी आ रही थी वो भी अभी गायब हो गई। Leaving the place in darkness and silence, काफी अंधेरा और खामोशी है। The stranger had gone off into the night. वो अजनबी भी अंधेरे में चला, रात में चला जाता है। After giving the astrologer a handful of coins, एक मुट्ठी भर पैसे नजूमी के हाथ में थमा के वो चला जाता है। It was nearly midnight when the astrologer reached home. ये करीब आधी रात का वक्त होता है जब वो अपने घर पहुंचता है नजूमी। His wife was waiting for him at the door. उसकी बीवी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। And demanded an explanation. और वो उससे पूछती है, वजाहत तलब करती है कि आखिर वो इतना लेट क्यों हुआ। He flung the coins at her and said. तो वो उसकी तरफ पैसे उछालता है, उसे पैसे देता है और कहता है, count them. इसे गिन लो। One man gave all that. ये सारे पैसे एक ही आदमी ने दिए। 12.5 आना, 12.5 आना है ये, she said, वो काउंटिंग करती है और बताती है। she was overjoyed, वो बहुत ही खुश होती है इतने पैसे देखकर। I can buy some jaggery and coconut, मैं ऐसे कुछ गुड़ और खोपरा नारियल खरीद सकती हूँ। बच्ची कई दिनों से मुझसे मिठाई मांग रही है। I will prepare some nice stuff for her, और मैं उसके लिए कुछ अच्छा तैयार कर लूंगी। The swine has cheated me. तो वो आदमी गाली देता है और कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया। He promised me a rupee. उसने मुझे पूरे 1 रुपये देने का वादा किया था, said the astrologer. Astrologer कहता है, she looked up at him. तो उसकी बीवी उसकी तरफ देखती है। You look worried. तुम काफी फिकरमंद दिखाई देते हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। What is wrong? कुछ गलत हुआ है क्या? Nothing. कुछ नहीं, वो कहता है, उसको जवाब देता है अपनी बीवी को। After dinner, खाने के बाद, sitting on the bench, he told her, "Do you know a great load is gone from me today?"
क्या तुम वो अपनी खाट पे बैठता प्योरली यानी जो चारपाई होती है ना रस्सी की बुनी हुई बांस की बुनी हुई एक्चुअली गांव की सेटिंग दिखाने के लिए मिडिल क्लास की सेटिंग दिखाने के लिए उन्होंने ये इमेजरी इस्तेमाल की है। तो वो उस खाट पे उस चारपाई में बैठ के वो अपनी बीवी को पूछता है कि तुम जानती हो आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीस इयर्स। इतने सालों से मैं यही सोचता आ रहा था कि मेरे हाथ से एक इंसान का खून हुआ है। दैट वॉज द रीजन, यही वजह थी वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि मैं अपने घर से भाग गया, सेटल्ड हियर, यहाँ पे सेट हो गया एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली। ही इज अलाइव, वो जिंदा है। शी गास्प, अभी वो औरत की सांस फूलने लगी, उसकी बीवी बहुत घबरा गई ये सुन के। यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी, वो उसको पूछती है। यस हाँ, इन आर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, मैं जब नौजवान था, नौजवानी में इंसान काफी बेवकूफी की हरकतें करते हैं, जवान खून होता है, गर्म खून होता है, जोश में होते हैं, मैं कुछ समझते नहीं चीजों को, बिटराए, मैंने दारू पिया, गैम्बल, जुआ खेला एंड करेल बैडली वन डे, वाई थिंक ऑफ इट नाउ। और एक आदमी से बहुत बुरी तरह मेरी लड़ाई हुई थी, फिर वो कहता है लेकिन मैं अभी ये सब सोचने की क्या जरूरत है, टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त है। ही सैड यॉनिंग, जमाई लेते हुए वो कहता है एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द टॉल, और वो खुद को चारपाई पर लेट जाता है सोने के लिए। तो आरके नारायण की इस कहानी में हमने क्या क्या चीजें देखी? सबसे पहले तो हमें पता है आरके नारायण एक बेहतरीन इंडियन नॉवेल राइटर और शॉर्ट स्टोरीज की राइटर रही हैं। तो इस कहानी में भी वो दिखाई देता है, काफी ही अच्छे से इन्होंने हिंदुस्तानी समाज की, हिंदुस्तानी गांव शहर की, रोड सड़कों की अक्कासी की है। जो शुरुआत में उन्होंने अपना सड़क का मंजर बताया जहाँ पे वो ज्योतिष अपनी दुकान लगाए बैठा था, किस तरह से लोगों का हुजूम, लोगों का शोर, कुछ खाने पीने की चीजें बेचने वाले, कुछ हल्के कपड़े बेचने वाले, लोगों की हुजूम है उस तरफ, और कुछ दुकानों में बड़े लाइट जल रहे हैं, कुछ छोटे लाइट, कुछ दूसरों की रोशनी से अपनी दुकान चला रहे हैं। काफी सारे इंडियन वर्ड्स भी इन्होंने इस्तेमाल किए हिंदुस्तानी समाज को बताने के लिए, जैसे कि कौड़ी शेम, कौड़ी जो हम गाय और बैल के गले में बंधा हुआ देखते हैं, अक्सर लोग मानते हैं इसे। और फिर जूट का, जो कि घोड़ा गाड़ी होती है, मद्रास में लोग सवारी के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। तीसरी अहम चीज, इन्होंने हिंदुस्तानी समाज के लोगों के अकीदे के की भी अक्कासी की है, जो तो कहानी के नाम से ही जाहिर हो रही थी कि हिंदुस्तान में आज भी इतनी कौम परस्ती है, हिंदुस्तान में आज भी लोग साधु संतों बाबाओं के पास में जाते हैं और इन सारी बातों पर यकीन रखते। और अब लास्ट में सबसे अहम जो इनकी तहरीरों की खसूसियत है, जो इनकी तहरीरों में खास तौर से दिखाई देता है, आयरनिक एलिमेंट। आयरनिक एलिमेंट क्या था इस कहानी में, कि वो ज्योतिष वो कुछ भी नहीं जानता था, वो खुद की किस्मत के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वो इस तरह से प्रिटेंड करता और कि वो कितना सितारों के उनका माहिर है, लोगों को इस तरह से बताता, लोगों को इस तरह से बताता सारी चीजें कि लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते। और उसका खुद पर कितना कंट्रोल था कि उसने खुद उस आदमी का कत्ल किया था, लेकिन इतनी खूबी से उसके सामने वो सारी चीजें बताई कि उसे भी यकीन हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा ज्योतिष है, ये गैब का इल्म जानता है। और फिर बाद में एक और आदमी के इतना बड़ा बोझ उसके सर से हट गया, वो इतने सालों से इस गिल्ट के साथ में जी रहा था कि एक आदमी का खून किया है, लेकिन जैसे ही उसको पता चल जाता है कि वो आदमी जिंदा है, मतलब ठीक है अभी भी उसने किसी पे चाकू चलाई तो चलाई, मरा तो नहीं ना वो आदमी, तो अब उसको ये फिक्र है, अब उसको ये बुरा लग रहा है कि उसने उसके साथ में धोखा किया, उसने जितने पैसे तय किए थे वो पैसे उसको पूरे नहीं दिए, उसने खुद उसके साथ एक मरतबा इतना बड़ा धोखा किया था, इतनी बड़ी हरकत की थी, वो फौरन ही उस चीज को भूल गया और अब वो अपने ही बारे में सोचने लगा कि उसने उसे पूरे पैसे नहीं दिए। तो काफी अच्छी ये कहानी थी, काफी कुछ हमें इससे सीखने के लिए मिला। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप वहां से लिख सकते हैं।